मैं आज क्या लगाने वाले आप यहाँ? मुंबई का फेमस तंदूरी चीज में होगा। तो आज हम आ गए मुंबई और आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का फेमस तंदूरी वड़ा पाव। तो मैम अपना नाम बता दीजिए। बीना राबोलकर। तो मैम कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? ये गाड़ी को 5 साल हुए हैं। अच्छा। और इसके लिए 9 मंथ हो गए। तो मैम कैसे सोचा आपने तंदूरी वड़ा पाव लगाने का मुंबई में? नॉर्मल वड़ा पाव तो था लेकिन कुछ अलग करना था। सॉसेस लेके हमने ट्राई किया था लेकिन अलग कुछ भी नहीं था उसमें, तो भट्टी अलग भट्टी में लगा के। हाँ सब करते हो। तो कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पे? बहुत अच्छा है। तो पाव हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं चटनी लगा के, ऊपर से डाला जा रहा है यहाँ पे प्याज। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे हमारे तंदूरी वड़ा पाव लगाए जा रहे हैं। 40 से 50 आपको यहाँ पे वड़ा पाव दिख जाएंगे। तो प्याज डल चुका है, अब इसमें डाली जा रही शिमला मिर्च। तो नेक्स्ट अब इसमें डाली जा रही गाजर। तो देख सकते हो कितना कलरफुल लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो इतना बढ़िया मैंने कहीं नहीं देखा वड़ा पाव को लगते हुए। बहुत सारी इसमें चीजें डाली जा रही है। तो मैम नेक्स्ट क्या डालेगा इसमें? अभी इसमें गोभी डाल रहे हैं। तो ये आगे इसमें पत्ता गोभी। तो हमारे वड़ा की मेकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे आलू के मसाले को बेसन में डिप करके कढ़ाई में इसको लगाया जा रहा है। तो गर्मा गर्म हमारे यहाँ पे बड़े रेडी किए जा रहे हैं, एकदम कढ़ाई भर के यहाँ पे वड़ा लगाए जाएंगे। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे कढ़ाई भर के वड़ा रेडी हो चुके हैं, अब इनको कढ़ाई से निकाला जाएगा। इस पे अभी वड़ा ग्रिल हो रहा है। हाँ उसको स्मोकी। तो जैसे चिकन को मटन को ग्रिल किया जाता है वैसे ही यहाँ पे वड़ा पाव वैसे ग्रिल किया जा रहा है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमारे तंदूरी वड़ा पाव के लिए यहाँ पे वड़ा लगाया जा रहा है, वो भी तंदूर किया हुआ ग्रिल किया हुआ। तो वड़ा पाव के ऊपर देखते हुए वड़ा को यहाँ पे मैश किया जा रहा है। तो हमारे वड़ा पाव में वड़ा लग चुका है। तो मैम नेक्स्ट क्या रहेगा? ये अभी जो सॉस हम होममेड सॉस है वो। तो ये आगे इनकी होममेड सॉस और एक एक करके यहाँ पे वड़ा पाव पे लगाई जाएगी। तो सब टेस्ट इसी का रहता है। हाँ। तो जब आपने पहली बार लगाया था आपने सोचा था इतना चलेगा ये? नहीं। और ये क्या है? ये अपना मेयो। मेयोनीज। ये ऊपर से आगे मेयोनीज। देखते मुँह पानी आ रहा होगा आपके भी। ये भी सॉस। तो टॉपर बड़ा पाव तो आपने हर जगह खा होगा, बट यहाँ पे सावस का बड़ा पाव है। तो पूरे थाने में ऐसा बड़ा पाव नहीं मिलेगा। सावस का बराबर सावस का। तो ऊपर से आगे चिली फ्लेक्स। तो देखते हो वड़ा पाव तो बने नहीं है और यहाँ पे भीड़ लगना स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग इसका वेट कर रहे हैं। 15 से 20 मिनट का होगा, आधा घंटा यहाँ पे हो चुका है। तो हम कितना टाइम लग जाता है उसको लगाने में? आधे घंटा पूरा लगा। और भाई ऊपर से डाली जा रही चीज़, आइटम्स ख़त्म नहीं हो रही है, बस चीज़ें डले जा रही है इस पर। तो जैसे 40 रुपये में आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वड़ा पाव खाने को मिल जाएगा, एकदम तंदूरी आपको यहाँ पे बड़ा मिल जाएगा। काफ़ी सारी सॉसेज डाली जाएगी इसमें, काफ़ी सारी वेजिटेबल डाली गई है इसमें। चीज़ डल चुका आपके अभी वो तंदूरी भट्टी पे दोबारा तंदूर हो गया। तो वड़ा पाव तंदूर किया गया था, अभी यहाँ पे पूरे वड़ा पाव को यहाँ पे तंदूर किया जाएगा, ग्रिल किया जाएगा। बड़ी उड़ी ज़्यादा उसमें तिथे उभारणार आहे आता। काय काय लोक डायरेक्ट रागाने निघून पण जातात, पण ज्यांना माहीत सांगू तरी कसं निघू। तो हमारा वड़ा पाव अच्छे तंदूर हो चुका है, ऊपर से आ जाएगी रेड चटनी। तो हम तीखी रहती है तीखी, जैसे जैसे सबको चाहिए तीखा। तो फाइनली मुंबई का फेमस यहाँ पे तंदूरी वड़ा पाव यहाँ पे लग चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सर्व करके दिया है। देख सकते हो इसको अच्छे से ग्रिल किया हुआ है दोनों साइड से बटर लगा के, और इसके अंदर जो इन्होंने वड़ा डाला है उसको भी ग्रिल किया हुआ है। साथ ही साथ में बहुत सारी वेजिटेबल डाली हुई है, चीज़ डाली हुई है, सॉसेज डाली हुई है, और इसको चिप्स के साथ सर्व किया है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मुंबई मैंने बहुत जगह वड़ा पाव खाए हैं, बट ये उनसे बहुत ही यूनिक है, बहुत ही टेस्टी है। बाहर से जो इसकी लेयर है काफ़ी क्रिस्पी है, और जो अंदर से उन्होंने इसको तंदूर किया है सॉसेज डाले हैं उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। टाइमिंग क्या रहता है यहाँ का? 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। और वीक में कितने दिन ओपन रहता है? ओपन ही रहता है, कभी डेज ओपन है कभी। हाँ। लेकिन कभी TMC का इश्यूज या कोई होगा तो हम। और इसका एड्रेस बता दीजिए कहाँ पे है? स्टेशन से 5 मिनट में है, अष्टविनायक चौक, चौक के सामने। तो अगर आप भी मुंबई के थाने में रहते हैं, विजिट कर रहे हो, तो यहाँ पे आके इनका तंदूरी वड़ा पाव जरूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया है। बात करिए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस है 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ में आपको बहुत ही बढ़िया तंदूरी वड़ा पाव यहाँ पे खाने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी वड़ा पाव में कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे आके इसको ट्राई कर सकते हो। तो इस तंदूरी वड़ा पाव को यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।